ये दिया हुआ थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च हैविंग स्पैन ऑफ 20 मीटर एंड राइज ऑफ 5 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन एट क्वार्टर स्पैन फ्रॉम द लेफ्ट एंड एज शोन इन द फिगर द रिजल्टेंट रिएक्शन एट द लेफ्ट सपोर्ट एंड इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो थ्री हिंज डार्स है, तो यहाँ पर ये हिंज इसको हम लोग नेमिंग कर दिए ए सी बी। तो हिंज ए में हमारा दो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एच ए हो गया और बी हो गया वर्टिकल सपोर्ट, बी पर हमारा बी बी हो गया और एच बी हो गया, है ना। तो थ्री आर जो होता है हमारा नंबर ऑफ अननोन्स जो होते हैं इसमें चार हो गए, है ना, और नंबर ऑफ इक्वेशंस तीन होते हैं और एक इंटरनल हिंज के कारण ये इक्वेशंस हो जाता है। ठीक है, तो कहने वाला डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंस हमारा 4-4 जीरो होता है। तो थ्री आर से हमारा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहले तो ये हम लोग को पता रहना है। ठीक है, थ्री आर से डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, उसके बाद जब डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको अवेलेबल जो इक्वेशंस है उसके बेसिस पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम लोग इक्वेशंस लगा दें समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, ठीक है, इससे हमारा एच ए माइनस एच बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मतलब कि हमारा एच ए इक्वल टू एच बी आ गई, ये इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो। तो वर्टिकल फोर्सेज जो लग रहे हैं हमारे वो हो गया बी ए प्लस बी बी इक्वल टू टेन, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड जो कंडीशन है मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो। जब मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारा यहाँ पर ए पर मोमेंट निकाल दें तो एक दो तीन फोर्स है ना, तो माइनस वी बी इंटू 20 होगा। ठीक है, एच बी के कारण कोई मोमेंट नहीं हुआ क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है अलोंग द सपोर्ट ए है, तो इसके कारण एच बी क्या ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए एच बी कोई मोमेंट हमारा क्रिएट यहाँ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन 10 किलो न्यूटन का जो मोमेंट है वो क्रिएट करेगा, तो प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बी बी हमारा हो गया 50 बाय 20। ठीक है, समझ आ गया, मतलब ये 2.5 किलो न्यूटन का लोड हमारे पास आ गया। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन एंड बी निकल गया, तो फिर सिमिलरली हम लोग इसके हेल्प से बी ए पता चल जाएगा हम लोग को, बी ए हमारा आ जाएगा 10 माइनस बी बी मतलब 7.5 समझ गए। ठीक है, अब हमारे पास एक और जैसे कंडीशंस है कि बेंडिंग हो गया नहीं अभी रिजल्टेंट रिएक्शन निकालना हम लोग को, केवल रिएक्शन नहीं निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक और एडिशनल कंडीशन है कि बेंडिंग मोमेंट एट सी जीरो होगा। ठीक है, तो सी पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे लेफ्ट से। ठीक है, तो लेफ्ट से देखें तो हमारे पास एच ए बी ए और टेन, ये तीन तरह के फोर्सेस हैं। ठीक है, तो बी ए कारण मोमेंट हो जाएगा बी ए इंटू टेन हो जाएगा, एच ए के कारण एंटी क्लॉक वाइज होगा तो माइनस एच ए इंटू 5, समझ में आ रहा, क्योंकि एच ए हमारा इस तरीके से लगेगा तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 होगा हमारा। ठीक है, फिर 10 के कारण हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज मतलब 10 इंटू माइनस 10 इंटू 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 HA इक्वल टू बी ए का वैल्यू हमारा है 7.5 इंटू 10, तो 75 यहाँ हो गया और 75 माइनस 50 है ना, 70 माइनस 5 माइनस 50 हमारा हो जाएगा 25। बी ए का वैल्यू 7.5 हो गया, तो 75 माइनस 50
तो ये हो गया हमारा 25, ठीक है। तो एच ए का वैल्यू हमारा आ गया और इंटर रिएक्शन एट ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग अननोन रिएक्शन को फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब अननोन रिएक्शन जैसे हम लोग पता चल गया, तो अब दूसरा स्टेप से हम लोग का वैल्यू सब लिख लिया ना, क्या क्या है वो। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आया था बताओ, बी ए का कितना आया था, बी ए बी बी और एच ए 7.5, 2.5 और एच ए 5, एच ए 5, ठीक है। तो अब हम इसको जॉइंट ए पर ना, जॉइंट ए पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो जॉइंट ए पर हमारा जो यहाँ रिएक्शन निकल गया है ना, बी ए वो हमारा है 7.5 किलोमीटर और एच ए जो निकल गया ये हमारा है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो वेक्टर के अनुसार अगर हम वो देखें, ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालना हमको, ठीक है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन जो होगा, रिजल्टेंट रिएक्शन जो होगा हमारा ठीक है, कुछ इस तरीके से लगेगा रिजल्टेंट रिएक्शन है। ये मान लो आर ए, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 7.5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये बताओ कितने आ गए, 7.5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये स्क्वायर कितने आ गए कैलकुलेट करें, प्लस 5 का स्क्वायर आ गया 9.01 है, 9.01 किलोमीटर हमारा हो गया रिजल्टेंट। अब देखो ये दो ऑप्शंस में, तो ये दो तो हो गए ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए अब, लेकिन अब इंक्लाइनेशन पूछा जा रहा है ना, तो समझ में आ रहा है। तो इंक्लाइनेशन जैसे हम लोगों को पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हमारा वी ए निकल गया, बी भी निकल गया, एच ए निकल गया, जॉइंट ए का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया और रिजल्टेंट हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन के स्क्वायर के सम का स्क्वायर हो गया, तो 9.01 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो इंक्लाइनेशन हम लोगों को निकालना है अगर, ठीक है, तो ऐसे हमारा इंक्लाइनेशन है विथ हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइनेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 10 थीटा जो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंक्लाइनेशन अगर निकालना है तो हमारा इस तरीके से समझो कि ये फोर्स है और इसके ऊपर ये फोर्स है, ठीक है, और ये हमारा जल से फोर्स है आर ई, और ये थीटा निकालना है ना। तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स बी ए अपॉन एच, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स, बी ए का वैल्यू हमारा है 7.5 डिवाइडेड बाय 5 है। तो गेट कैलकुलेटर से इसको हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू कितना आया, ठीक है। हमारे आगे 56 डिग्री है, 56 डिग्री के आसपास आ गया हमारा, ठीक है, 56.3 डिग्री। तो ये ऑप्शन हमारे मैच कर गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ए।